नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है श्वेता और उनकी बहन तृप्ति। और इनकी बात मैं बताती हूँ, पवनदीप और अरुणिता की इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत पिक्चर और इतना सुंदर स्केच लोगों के सामने आया है, वो इन्हीं दोनों के बदौलत आया है। जो तृप्ति है, नमस्ते तृप्ति, इनके कलम से निकला हुआ, इनके कूची से निकला हुआ वो पेंटिंग है। और ये है श्वेता। हाउ आर यू श्वेता? फाइन ओके, चलिए मुझे बताइए श्वेता, मैंने सुना ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे रहा, क्यों रहा बताइए। मैम। स्केच मेरा 10th of November को बर्थडे होता है। मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं पवन अरुणिता की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं क्या करूँ उनके लिए, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने दीदी से बोला, मैंने कहा स्केच उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छा बना लेती है, स्केच बहुत अच्छे बना लेती हैं। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कि एक स्केच मुझे बना के दो। तो ये बोली नहीं उस टाइम, क्योंकि इनके पास टाइम भी नहीं था और इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और 10th of November को मुझे अचानक से मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया, ये स्केच बना करके। तो मैं तो खुशी से बिल्कुल मैम, पागल ही हो गई, हमें भी ये मौका बहुत। मिल गया कि हाँ, इनको पसंद है, चलो मैं बना दूँ, मैं इनको गिफ्ट दूँ, तो बहुत खुश हुई थी ये कि हाँ, मतलब तुमने गिफ्ट करा मैं बहुत खुश हो गई स्केच देख और करके। कुछ ये नहीं चाहिए फिर अब मेरा मतलब बड़ा गिफ्ट हो गया मेरे लिए, मेरी बिल्कुल लाइफ का। बिल्कुल बिल्कुल। तृप्ति जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ, कितना समय लगा आपको ये स्केच बनाने में और कहाँ से वो पिक्चर लिया आपने? मैम वन डे, एक दिन में? यस मैम। अरे वाह, अरे वाह, दैट्स नाइस। अच्छा, मैम, और चलिए मुझे पहले श्वेता बताइए, जब कैसे दिया गया ये पिक्चर, वो कैसा आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या ही बोलूं, मतलब बहुत ही, मतलब जब इन्होंने शाम को मुझे दिया ये इवनिंग के टाइम मुझे, मतलब जब ये गिफ्ट मिला तो मैं तो खुशी से बिल्कुल पागल हो गई। समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को स्केच पे देख के इतनी खुश हो गई, तो पता नहीं सामने आ जाएंगे, मैं क्या करूंगी। और कुछ एक्सपेक्ट नहीं मुझे था ओके, मेरा गिफ्ट, बहुत खुश हुई, बहुत ही मैम खुश हो गई एक है तो मैम इन्होंने टाइम ना हो करके भी, टीचिंग जॉब करती है, टाइम ना हो करके भी मेरे लिए इतना टाइम दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात, पवन अरुणिता का मुझे स्केच मिला, ये तो मेरे लिए और भी बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, क्या करते हैं आप तृप्ति जी? आपका तो मालूम पड़ा, आप टीचिंग करती हैं। श्वेता, आप क्या करती हैं? मैम मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, उसके बाद मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया था एयरलाइंस टिकटिंग का। और उसके बाद मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई है घर पे, और फिर कोरोना की वजह से वो तो छूट गई, बट मैंने स्टेशनरी शॉप खोली छोटी सी, मेरा बहुत मन था तो मैंने स्टेशनरी शॉप मैंने घर पे ही खोली, बहुत छोटी सी है। यस अच्छा, तो वहां पर आप दिन भर मतलब पवन और अरुणिता के गाने चलते रहते हैं सर? मैम, यस मैम, बिल्कुल। मैम पूरे दिन पवन, हम स्कूल जाएंगे तो हमें दिखाएगी, देखो इतने फॉलोज हो गए, देखो ये आ रहा है वो आ रहा है। मैं पूरे दिन समझिए, और रात पे भी मोबाइल खोल के बैठेगी, जैसे हमें हमारे पास कॉल करेंगे, क्योंकि हम वही देख रहे थे अभी, हम वही उन्हीं अरे लोग का देख रहे हैं, पे लोग पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, कि मतलब क्या इस समय उनका चल रहा है। नहीं, तृप्ति जी वो दोनों है ही ऐसे कि उनका ना नशा आपके सिर पर चढ़ता है। पेंटिंग वाह, ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है। तो आपको कितना पसंद है पवन और अरुणिता? मैम, हमको मैम हाँ इनको पसंद है तो हमको ही बहुत पसंद है। मैम इतने क्यूट है ये कि किसको पसंद नहीं आएंगे यस वो, मैम, एक बात तो है मैम। बहुत ही ज्यादा क्यूट, मतलब बहुत ही क्यूट है, बहुत ही, मतलब उनके फेस पे क्या मैं बोलूँ, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आती है उनके बहुत फेस पे। मासूम जमला फेस है पवन का, तो बहुत ही और मासूम। सबसे बड़ी बात मैम इनका नेचर है, नेचर बहुत ही अच्छा है। इस ऐसे मिलते हैं, मतलब इतने बड़े स्टार्स होकर के भी आज दोनों ऐसे मिलते हैं कि जैसे ये कुछ, मतलब सिंपली ही है बिल्कुल, मतलब ऐसे मिलते हैं। मैंने देखा है जैसे लोगों से हैंडशेक करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से मिलते मैम हैं। फेस भी बहुत मासूम है, बहुत ही मतलब जैसे क्यूट सा। हाँ, और पवन तो के फेस पे, मैम पवन के फेस पे तो स्माइल ही नहीं रहती है जब, लेकिन जब देते बिल्कुल हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। एक वेट रहता है कि स्माइल दे दे बस। बिल्कुल। तो कब इंडियन आइडल में कब से देखना शुरू किया था, डे 1 से या बाद में ज्वाइन किया आपने देखना?
मैंने बाद में ज्वाइन किया था क्योंकि शुरू में मेरा मन तो बहुत करता था, बट मैं देख नहीं पाती थी क्योंकि मेरी शॉप थी तो मैं नहीं देख पाती थी, मन बहुत करता था। लेकिन फिर मैंने कोरोना की वजह से जब बिल्कुल सब बंद हो गया तब मैंने देखना स्टार्ट किया था उनको, और तब से मुझे बहुत पसंद आ गया, बहुत ही। अब तो मैं हर ओरिजिनल सॉन्ग्स मैंने बहुत सुनने कम कर दिए, अब तो मैं इन्हीं दोनों की वॉइस में डाउनलोड करती हूँ सॉन्ग और इन्हीं दोनों की वॉइस में सुनती हूँ सारे सॉन्ग्स। मुझे अच्छा, तो मैम पहला कौन सा? रात में भी, हाँ मैम जी, रात में से देखेंगे तो उसमें कोई भी फोटो आई कुछ है तो उसके स्क्रीनशॉट भी उनको पहले हम भेजते हैं, लो फोटो लो कुछ अरे रे रे। तो हो पहला गए। कौन सा गाना पसंद आया आपको, श्वेता, पवन का और अरुणिता का? मैम लाइव कॉन्सर्ट में तो जो होते हैं उनके जो भेजी थी दुआ, दुआ पवन की जो है सॉन्ग्स हैं, तेरी मिट्टी भी बहुत अच्छी है। जो भेजी थी दुआ, तेरी मिट्टी और शायद अच्छा चलता हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग, इसका वेट रहता है एक बार गाए। मैम तेरी मिट्टी तो मेरी छोटी बेटी है, वो उस चीज को बहुत गाती है, मतलब उसको इतना पसंद है, समझिए। मेरी मिट्टी उसी के बारे में ना, जैसे खूब बार बार जैसे उसको खूब गाती है, उसको पता नहीं गाना बहुत पसंद है, जब से पवन मतलब जब गाने लगा है तब से उस चीज अरे के बहुत बाप ही रे, असर करती तो वो कितने, क्या मेरी उम्र है बेटी। उसकी, आपकी बिटिया की? अभी 10 ईयर्स है 10 साल उसकी। की। अरे अरे अरे, लवली लवली। और आप मुझे बताइए क्या मांगा है, एक आपको तो बिना सोचे कितना बड़ा गिफ्ट मिल गया। श्वेता, अब आगे क्या मांग रही है भगवान से? बस आगे भगवान से ये है कि बस एक बार मिला दे मुझे सामने यही बिल्कुल बिल्कुल, कि वो लखनऊ कब आ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो लखनऊ कब आएंगे और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ हम इसे कहते बिल्कुल। लखनऊ आएंगे तो हम तुमको मिलवाएंगे, चलेंगे हम तुमको मिलवाएंगे भाई ये भी वो तो। भी मैम ये होता है कि बहुत दूर होगा, कैसे जाऊंगी मैं, कैसे क्या होगा, तो ये बोलती है कि मैं मिलवाऊंगी। नहीं नहीं हम चलिए, टेंशन कर, हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप उन दोनों से मिल लें और आप भी नया स्केच बनाकर उनको दे दें। तृप्ति जी, बड़ा मजेदार रहेगा ये सब चीजें देखना। चलिए, थैंक यू श्वेता फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम। मैम एक चीज और कहना चाहूंगी, इस स्केच को सुरेश अंकल जी ने लाइक किया था, मैं थैंक यू उनको बोलना चाहूंगी, और दानिश और साइली ने मेरा स्टोरी देखा उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बाकी मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जब मंजूर जी सॉन्ग आया था तो अरुणिता ने आपके ही इंटरव्यू में बोला था कि बस मुझे घूमना है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे घूमना है, आज वो उनका सपना पूरा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो सच में वो इतना घूम रही है कि इधर से उधर उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, तो इधर बिल्कुल नहीं से उधर मिलता करती है, बिल्कुल नहीं मिलता है। रहती चलिए, है। थैंक्स अ थैंक लॉट फॉर दिस लवली टॉकिंग टू यू। जय हिंद जी। जी यू सो मच। ओके थैंक यू ओके सो मच। बाय।